नमस्कार, मैं सोनिया चौहान डे टू शेयर पेपर एंड पब्लिक वॉइस चैनल से आज यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। चनोद में जो स्थित लेक व्यू के बाहर जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आज पूरे इसमें जगत में हमारे आज जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है वो यहाँ से अभी शुभारंभ हो रही है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले कलेक्टर मैम भी पहुँचे थे और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे भक्तजनों की यहाँ पर भीड़ जमा है, बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ और बड़े ही जोश के साथ वो आज यहाँ जमा है यात्रा में। और देखिए भक्तजनों का किस तरह से जगन्नाथ जी पर अपनी हाजिरी देने के लिए वो यहाँ मौजूद है दरबार में। आज इस रथ की यात्रा में वो यहाँ मौजूद है, किस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ है और अभी यात्रा का यहाँ से शुभारंभ हो रहा है, ये यात्रा आगे बढ़ रही। आप देख सकते हैं कि पूजा में यहाँ पर कलेक्टर मैम भी उपस्थित रही है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रकाश साहू है, मैं इस जगन्नाथ मंदिर से लास्ट 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे बापी और गुजरात के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज कलेक्टर साहब ने, रमन भाई ने, मीडिया जितने भी बंधु को हम लोग स्वागत कर रहे हैं और ये एक ट्रेडिशनल उड़ीसा भाई लोग के लिए है, जो कि ये पुरी से शुरू हुआ था। आज भी पुरी में बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, आज ये ट्रेडिशनली उड़ीसा का नहीं रहा, ये सारी भारत का हो गया है। आज गुजरात में भी, अहमदाबाद में देखिए, बहुत सारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू हो रहा है, अभी भी चल रहा है और ये हमारे लिए, एक बापीवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। सारी यहाँ पे डिवोटी लोग जितना भी है सब यहाँ पे आके जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। हम आगे चाह रहे हैं कि ये मंदिर को और भी बड़ा करें और यहाँ पे और डिवोटी जोड़े, खाली उड़ीसा भाई नहीं, सारे गुजरात भाई। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, गुजरात के लिए सौभाग्य की बात है, देश के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इतना धन्यवाद करता हूँ कलेक्टर मैडम की एंड रमन भाई की, कन्नू भाई की, सबको। थैंक यू वेरी मच।